हेलो फ्रेंड, हम आपको बताएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड मशीन होता है, उस वर्ड मशीन का अंदर जो सर्किट बोर्ड लगा होता है, उस सर्किट बोर्ड के जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो कहाँ से लगा होता है और उसका कौन सा पॉइंट में आप 12 वोल्ट सप्लाई देगा, इसके बारे में हम आज बताएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो देख रहा है, ये एक 12 वोल्ट का ऑपरेट होने वाला एक सर्किट बोर्ड है। ठीक है, ये यहाँ पे जो 12 वोल्ट में ऑपरेट होता है ये सर्किट बोर्ड, और ये भी देखिए ये भी 12 वोल्ट में ऑपरेट होता है। ठीक है, इस दोनों सर्किट बोर्ड अब 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है 6 वोल्ट में ऑपरेट होने वाला सर्किट बोर्ड मिलता है। ज़्यादातर 12 वोल्ट में क्या होता है, डायरेक्ट आप ट्रांसफार्मर दे के चला सकते हो 12 वोल्ट सप्लाई दे के। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आपको आज बताएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो साफ साफ मार्किंग किया है, ठीक है, मार्किंग जहाँ लिखा हुआ है कहाँ पर कहाँ लगाना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लैक। ठीक है, ये है वेट सेल का कनेक्शन। यार यहाँ पे जो पिन देख रहा है, ये जो कीबोर्ड होता है जिससे हम रीसेट, MR, A0 करता है, उस कीबोर्ड का कनेक्शन। और दूसरा पिन देखिए यहाँ पे देखिए, एक है बैटरी बैटरी का और एक स्विच का और LED का। यहाँ पे देखिए जो मोटा वाला पिन देख रहा है, ये है 12 वोल्ट AC का, TRX। ठीक है, TXR यहाँ पे, और यहाँ पे बाजार ब्राजार जो होता है, यहाँ पे बोर्ड में लाइन आने से एक सिग्नल देगा। ठीक है, तो आपको जो 12 वोल्ट देना है, इस प्रकार एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा आपको। देखिए बहन, इस ट्रांसफार्मर का 0 12 कहता है, ठीक है, और एम्पेयर कितना है, 1 एम्पेयर। इसमें क्या होता है, 1 एम्पेयर लेने से जो ट्रांसफार्मर है ये ज़्यादा टाइम वर्क करेगा, क्योंकि मिली एम्पेयर इसमें क्या होता है, ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन ये आसानी से ख़राब नहीं होता है। ठीक है, और ये वोल्टेज है 230 वोल्ट AC सप्लाई। यहाँ पे AC सप्लाई 230 वोल्ट देगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट AC निकालेगा। फ्रेंड, ये जो सर्किट बोर्ड है यहाँ पे आपको कहाँ से पता लगेगा 12 वोल्ट AC। देखिए फ्रेंड, जहाँ पर देखा एक साथ 4 डायोड लगा हुआ है, ठीक है, ब्रिज में आप यहाँ पे लगा है, ठीक है, एक साथ 4 डायोड, उसके बाद ही देखिए एक कैपेसिटर लगा है। इस कैपेसिटर का वोल्टेज है 24 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे और 1000 mmHg का AF, 1000 mmHg का माइक्रो फ्रेड, इसको माइक्रो किया जाता है कैपेसिटर। ठीक है, 25 वोल्ट 1000 μF का, और यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट AC DC में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिल्टर होता है, 12 वोल्ट DC हो जाता है। ठीक है, इसी के यहाँ पे जो 4 डायोड है और एक कैपेसिटर। ठीक है, और इस बोर्ड में देखिए यहाँ पे जो 12 वोल्ट सप्लाई होता है, इस पिन से सप्लाई होता है 12 वोल्ट, और ये पहले वाला जो दिख रहा है ये बैटरी का। ठीक है, आपको बोर्ड में, हर बोर्ड में प्रिंटिंग होगा, उस प्रिंटिंग में आपको मिल जाएगा कहाँ कहाँ के लगाना है। ठीक, बैटरी का, ये स्विच का, ठीक है, ये ब्लैक, रेड, वाइट, ग्रीन, ये है आपका वेट सेल का। ये छोटा सर्किट है, ये थोड़ा उसे लेकिन काम दोनों का सेम ही है, और ज़्यादातर रेट के फर्क होने से सर्किट में थोड़ा डिफरेंस आ जाती है। आप देख के समझ जाएगा तो सर्किट में क्या है और रेट किसने ज़्यादा होगा किसने कम होगा, ये तो सर्किट के ऊपर आपको। इसे देखिए जो PVC है ये भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगा है ये भी अच्छा है, और यहाँ पे देखिए जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ऐसे ही से, कोई हीट सिंक नहीं है। यहाँ पे देखिए एक हीट सिंक लगा हुआ है, इस तरह का बहुत कुछ है, जो कि ना इसलिए थोड़ा महंगा होता है इस सर्किट बोर्ड के, इस सर्किट बोर्ड इससे जरिए थोड़ा लो कॉस्ट में आपको मिल जाता है। ठीक है, ये था 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर, जो कि आपको मिल जाएगा 100 रुपये में, 100 से
80 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये सर्किट बोर्ड आपको मिलेगा 300 रुपीज़ से 50 रुपीज़, 350 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कुछ नहीं है फ्रेंड, यही सा छोटा सा वीडियो। क्योंकि मेरे ये वीडियो आपको पसंद लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो पास में बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हर तरह। फ्रेंड, इसके बारे में और कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको मैं इसके जरिए और एक वीडियो और जो सवाल है वो भी आपको दूसरा वीडियो में बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब आज कुछ सीख लिया है 12 वोल्ट कनेक्शन किस तरह दिया जाता है, सप्लाई इसमें इनपुट किया जाता है इस पॉइंट। थैंक यू फ्रेंड।